मुंबई इंडियंस की टीम का जो अगला मैच होने वाला है वो हैदराबाद की टीम के साथ में होने वाला है, और हैदराबाद के अंदर हमें मैच होते हुए दिखने वाला है, और इसमें क्या चेंज होने वाले हैं एमआई की टीम के अंदर, एमआई की टीम की प्लेइंग 11 के अंदर, तो आज के स्टूडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं, तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हो मुंबई इंडियंस की टीम जीते दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ, तो हमारे वीडियो को एक लाइक अभी कर दीजिए, और अगर पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों आज के मैच के बारे में, यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस की टीम के जो बीच में मैच होने वाला है उसके बारे में, क्या हमें कौन से चेंजेस होते हैं इस मैच के अंदर दिखने वाले हैं। तो दोस्तों पहला बड़ा बदलाव हमें होते हुए देख सकता है ल्यूक वुड को लेकर, जहाँ दोस्तों ल्यूक वुड हमें बाहर जाते हुए देख सकते हैं और नवंतु सारा हमें अंदर आते हुए नजर आ सकते हैं। जहाँ तक दोस्तों हम मुंबई इंडियंस की टीम को जानते हैं, एमआई की टीम एक दो मैच हारने के बाद में भी कोई भी बदलाव अपनी टीम के अंदर नहीं करती है, सेम प्लेइंग 11 लेकर एमआई की टीम उतरती है। तो हो सकता है कि ना मिले नवंतु सारा को मौका, लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि ल्यूक वुड हमें बाहर जाते हुए देख सकते हैं, नवंतु सारा जो है वो दोस्तों हमें आते हुए नजर आ सकते हैं मुंबई इंडियंस की टीम की प्लेइंग 11 के अंदर। तो आप लोगों को क्या लगता है, नवंतु सारा को एमआई की टीम के अंदर जगह मिलनी चाहिए या फिर नहीं, तो आप अपनी राय कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और चलिए अब दोस्तों अब बात कर लेते हैं अगले बड़े अपडेट की। तो ये बड़ा अपडेट दोस्तों कुमार कार्तिकेया को लेकर आ रहे थे, दोस्तों कुमार कार्तिकेया जो कि एमआई की टीम के पास में जो स्पिनर मौजूद है, कुमार कार्तिकेया वो भी हमें एमआई की टीम की प्लेइंग 11 के अंदर जगह बनाते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि कुमार कार्तिकेया के भी चांसेस काफ़ी कम हमें नज़र आ रहे हैं, शायद से हमें प्लेइंग 11 में खेलते हुए ना दिखे, क्योंकि एमआई की टीम ने मात्र एक ही मैच हारा है अभी, और एमआई की टीम जब तक 3 से 4 मैचेस नहीं हारती है तो एमआई की टीम कोई भी प्लेइंग 11 में अपने बदलाव नहीं करती है। ये एमआई जैसी चैंपियन टीम की दोस्तों निशानी है, या फिर कहते दोस्तों एमआई की टीम की ये जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रहती है यही रहती है कि ज़्यादा चांसेस अपनी टीम के अंदर नहीं करते हैं, अपनी प्लेइंग 11 के अंदर नहीं खेलते और सेम प्लेइंग 11 के साथ में बार बार उतरते हैं। ये सब बड़ी टीमों की निशानी है, और दोस्तों जो लोकल टीमें रहती है और हमें एक मैच के बाद में तुरंत चेंजेस करती हुई अपनी टीम के अंदर नजर आ जाती है। लेकिन दोस्तों कुमार कार्तिकेया की जगह जरूर से बननी चाहिए मुंबई इंडियंस की टीम के प्लेइंग 11 के अंदर, क्योंकि जो एसआरएच का मिडिल ऑर्डर जहाँ पर देखेंगे हैं रोहित कलासेन है और दोस्तों एडम अक्रम और राहुल त्रिपाठी जिनको कि स्पिन बहुत कम खेलते हुए आती है, तो हो सकता है कि हमें दोस्तों कुमार कार्तिकेया जो है विकेट्स के ज़्यादा चांसेस बनाते हुए नजर आ जाए एमआई की टीम के लिए, और जल्दी जल्दी विकेट करके दे दे निकाल कर दे दे मुंबई इंडियंस की टीम को एडम अक्रम, राहुल त्रिपाठी और दोस्तों जहाँ तक की जहन कलासिन जैसे खिलाड़ियों की। वैसे आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों एमआई की टीम को कौन से बदलाव करने चाहिए अपनी टीम की प्लेइंग 11 के अंदर, तो आप अपने कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों फटाफट टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलने वाला है, और दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम से जुड़ा जो भी अपडेट आता है, जो भी न्यूज रहती है, और दोस्तों एमआई की टीम के मैच हाईलाइट को लेकर वहीं पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को लेकर फटाफट टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना। और एसआरएच और जो दोस्तों मैच होने वाला मुंबई इंडियंस की टीम के बीच में कौन सी टीम जीतेंगी, तो आप अपने रेकमेंड जरूर कर दीजिए। तो बस ये वीडियो यहीं तक थी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।